नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। आइए, आप सबको मेरा इस ब्लॉग में स्वागत है। और ये जो वीडियो मैच छोड़ रहा हूँ, ये बच्चों के लिए है, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं या नेवी पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग अपना टीन्स में, टीन्स बोलने से 13 साल से 19 साल के बच्चों को टीन्स बोलते हैं, या कॉलेज में जाने वाले बच्चे जो बहुत इमैच्योर होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं, और उन बहुत प्राइम होता है उनका एज, वो टेंडर होता है, उनका अंदर नासमझी रहता है, जो ठान लिया कुछ समझ में नहीं आता, वो कुछ सोच समझ के कदम नहीं बढ़ाते और फंस भी जाते हैं। मैं यही बोलूँगा, वो प्यार इतना भारी नहीं है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो प्यार है ना, वो प्यार इतना उसका वेटेज नहीं है। अपने माँ बाप के प्रति जो प्यार है, भाई बहन के प्रति जो प्यार है, रिश्ते नातेदारों के प्रति जो प्यार है, बूढ़ी बुज़ुर्गों के प्रति जो प्यार है, अपना फ्रेंड सर्कल के बीच में जो प्यार है, वो प्यार के भारी नहीं है। लेकिन हम समझते नहीं हैं, लेकिन हम उस प्यार को मान लेते हैं। जिसको प्यार मिल गया, उस समय उसे खुदा मिल गया, वो स्वर्ग में पहुंच गया। लेकिन ये प्यार इतना डेंजरस है, अगर कहीं गलती से आप धोखा खा जाते हो, फिर आपको पता है क्या क्या होता है। और ये जो प्यार होता है, ये आप खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकते, इसमें अट्रैक्शन है, बहुत भारी अट्रैक्शन है। ये प्यार हम चोरी छुपे करते हैं, तो इसलिए जब भी करते हो, जबकि यहाँ पर आपका उम्र नहीं है प्यार करने के लिए, भरपूर टाइम मिलेगा आपको। पहले अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, अपना कैरियर बनाओ, ज़िंदगी के ऊपर फोकस करो, फिर आपके लिए बहुत टाइम है आगे प्यार करने के लिए। लेकिन ये टाइम वो मुनासिब टाइम नहीं है। बाप माँ को तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो, वो तो आपको पढ़ने के लिए छोड़े हैं, उनको क्या पता आप क्या गुल खिला रहे हो। लेकिन जब चोट लग जाता है किसी बात से, मतलब वो इतना आपको ठेस लग जाता है कि आप, मतलब एक इंसान, एक लड़का हो या लड़की हो, वो सुइसाइड करने तक का नौबत आ जाता है। और करते भी हैं, हम देखते हैं, ये फेसबुक अपना इस मोबाइल पे भी आता है, हम आंखों देखी भी हम बताते हैं। तो इसलिए जब भी आप प्यार, अगर गलती से हो भी जाता है या आप करने जा रहे हो किसे, तो बहुत सोच समझ के, परख के, पूरा मतलब इन्वेस्टिगेट करके तभी प्यार करना है। क्योंकि ढोंगी मुखटेबाज बहुत हैं, बहुत मीठी बातों में फंसा कर आपको अपना ज़िंदगी में ले लेंगे, या आपके ज़िंदगी में आ जाएंगे, फिर अपना काम हासिल करके वो उड़ जाएंगे। तभी आपको पता चलेगा किस दलदल में अपना पैर डाल दिया है। तो इसलिए जब भी कोई कदम उठाओगे, बहुत सोच समझ के, ये प्यार आपका माँ बाप के प्यार से तो ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन आप वो प्यार के लिए माँ बाप का प्यार को ठुकरा देते हो, ये बहुत बड़ा गलती है। हाँ, प्यार होता था, एक ज़माना था, हम चिट्ठी पत्र लिखते थे, चिट्ठी पहुंचाना भी कठिन का काम था, और चिट्ठी का रिप्लाई लेना भी कठिन काम था, बड़ा मुश्किल होता था। हमको एक रखना पड़ता था, क्या, एक पोस्टमैन बीच में रखना पड़ता था, उसके लिए 54-10 पैसा देना पड़ता था, भाई तू 10 पैसा दूंगा, एक चॉकलेट दूंगा, जाके दे यार। तो वो ज़माना कुछ और था, आज का तो बस हाईटेक ज़माना है, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, बस एक कुड़ूंग कर दिया, उसको मैसेज मिल गया, वहाँ से कुड़ूंग हो गया, आपको मैसेज मिल गया, और प्यार चढ़ गया परवान, आप तो खुदा, आपको तो खुदा मिला हुआ है, खुदा मिल गया है। लेकिन ये इसका परिणाम बहुत भयंकर है, जितना इससे दूर रहेंगे बहुत अच्छा होगा। ये लाइफ का जो कोर्स है ना, इसमें ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये हम लोग ज़बरदस्ती बनाए हुआ है, ज़बरदस्ती बनाए हैं करके हम फंसते हैं। हमारा ज़िंदगी का जो रूटीन, उसमें प्यार करना कहीं है? करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी का रूटीन में वो ये बाहर है, वो बाहर इंसान, हम बाहर के इंसान, प्यार कैसे हो गया बीच में?
चिंता करते कि आदमी क्या जिंदगी का क्या पूरा अच्छे से लिखें उसको, तो ये चीज़ नहीं होता है। प्यार हो गया, ये तो बाहरी चीज़ है, ये तो आउट ऑफ ट्रैक है। और जब आदमी आउट ऑफ ट्रैक जाता तो गलतियाँ होती है, ये गलती से ही आउट ऑफ ट्रैक गए हो तो गलतियाँ होगी। तो इसलिए जब भी काम करोगे बस थोड़ा सोच समझ के, मैं तो कहूँगा ना नो डू दिस, और हो गया है तो हो गया। हाँ, अगर हो भी गया, धोखा भी खा गए और झेल भी लिए, और आपको फिर अगर सेकेंड टाइम आपको ऑफर आता है कि मेरे से गलती हो गया, फिर चलो फिर से वो सेकेंड इनिंग्स खेलते हैं, वैसे इंसान को कभी दोबारा अपनी ज़िंदगी में प्रवेश करने का मौका मत देना। वो आपका दूसरा भारी गलती होगा। एक तो आप गलती कर चुके और उसके लिए आप परिणाम आप भुगत चुके हो, और सेकेंड इनिंग्स अगर सेम आदमी से आप खेलना चाहोगे पता नहीं, फिर तो आपको वही ऊपर वाला बचाएगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम थोड़ा ज्ञान बांटने वाला बांट देते, कुछ होंगे गुस्सा होंगे हमारे ऊपर, होने को, ये जो सही बात हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब आदमी खराब होते हैं, सब बच्चे खराब होते हैं। किस किस का किस प्यार बाप माँ मान लेते हैं, उनका ज़िंदगी सफल हो जाता है। कितने आदमी का ज़िंदगी सफल होता है? बहुत कम, इक्का दुक्का परसेंट, बाकी सब फेल है। तो इसलिए सब ज़िंदगी में आप दूर रखिए। हाँ, बात कीजिए, एक फ्रेंडशिप रखिए, मतलब वो फ्रेंडशिप वो लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए जहाँ से आप रिटर्न नहीं आ सके, ये मान के चलिए बस। और क्या बोलूँगा, और सेकेंड इनिंग्स वाला बात भी मैंने कह दिया, बच के रहना बस। आप बहुत आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं। नहीं तो एक बच्चे लोग ही बोलेंगे वाह आया बड़ा ज्ञान देने, हम भी भुक्तभोगी हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है और हम आँखों देखी बात भी बोल रहे हैं। पब्लिक को हम सुसाइड करते देखे हैं, मरते देखे हैं, पागल होते हुए देखे हैं, डिप्रेशन में जाते हुए देखे हैं, और क्या क्या बताऊँ। लेकिन कहते हैं ना, जिसका पर जो भोगता है उसको ही पता है, आप बीती एक चीज़ होता है ना, हाँ, जिसका पर बीतता है उसको ही पता है क्या हुआ क्या नहीं। जिस देखने वाला बोलेगा हाँ एक्सीडेंट हुआ, आदमी मर गया। जिसका पैर में चोट लगता है जब वो लंगड़ा के चलता है दर्द होता है तो उसको पता होता है कि हमने एक्सीडेंट का मतलब क्या है। तो इस एक्सीडेंट से बचने की कोशिश कीजिए, बाकी आपकी इच्छा आपकी ज़िंदगी है। हम क्या बोले, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।